नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज मैं आपको जन्म कुंडली में कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार प्रश्न कुंडली के द्वारा आज के दिन का नेचर कैसा रहेगा हमारा, यानी कि आज यानी जिस दिन भी हम अपने नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, यानी स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस दिन की एक प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, जिसे कुछ लोग राशिफल भी कहते हैं, और उस हिसाब से हम आज के दिन को कैसे फलित करें और उसमें हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए और किन किन कस्पल सब लॉर्ड को देखना चाहिए। तो आज का जो दिन है वो है 9 सितंबर 2018 और आज संडे है और टाइम है 12:22। तो ये जो प्रश्न कुंडली बनाई है इसमें अगर किसी जातक का बहुत ही बुरा मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है तो वो अपना प्रश्न रख सकता है और अपने प्रश्न के अनुकूल अपना एक होरारी नंबर भी रख सकता है। हमने तो ये एक एग्जांपल वीडियो बनाया है तो उस हिसाब से हमने ये प्रश्न बनाया है। एग्जांपल जो वीडियो है उसमें भी क्या होता है कि जो भी ज्योतिषाचार्य बनाता है या जैसे मैं बना रहा हूँ तो मेरे फीलिंग आज का कैसा रहा है वो मेरे को ऐसा फील हो जाएगा कि यार आज तो ऐसा फील आ रहा है, तो उसी के अनुकूल ही चीज़ें बनती है। तो आज जो मेरा फीलिंग था वो थोड़ा सा थकान का या फिर ये कहें कि चिंतित इस टाइप का फीलिंग था, तो मैंने सोचा आज ये दिन जो है वो इस तरह का क्यों है, तो उसका जानने के लिए मैंने एक प्रश्न कुंडली क्रिएट की और उस प्रश्न कुंडली में आज का दिन का फलित किया है। तो इसको फलित करने के लिए सबसे पहला है कि हमारा लग्न, लग्न हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, तो हमारा मस्तिष्क के अंदर इस तरह की विचारधाराएं आती है। तो पहला हमारा सबसे पहला भाव हो गया कि लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड। उसके बाद होता है पांचवां घर। पांचवां घर जो है वो हमारी सुख सुविधाओं का है, हमारे अच्छे स्वभाव का है, हमारे मौज मस्ती का है। तो अगर हमारे आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी मौज मस्ती का माहौल नहीं है, तो इसके लिए हमें पांचवें भाव का कस्पल सबलॉर्ड को देखना है। उसके बाद आज हम देख सकते हैं आज के दिन का 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनाने के लिए आप जिस समय आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है अपने स्वभाव को लेके उसी समय का टाइम ले, ये नहीं है कि आप सुबह का ले ले या फिर उस दिन का जो स्टार्ट है जैसे रात को 12 बजे का यानी कि 12:00 AM का ले ले, वो नहीं है। जिस समय आपके अंदर ऐसा फील आए और आपको लगे कि नहीं मैं ये प्रश्न जो है वो जन्म कुंडली के थ्रू जानना चाहता हूँ, तो उसी समय का टाइम और वो जगह जो है यानी फलित करने की जो जगह है उसको ले, क्योंकि प्रश्न कुंडली का नियम यही है। तो इसलिए हमने जो आज प्रश्न कुंडली लिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम, तो हमारे सामने ये वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बनी है और हमारा जो लग्न है वो 13.50 डिग्री है। तो इसमें हम पहले घर का उपनक्षत्र स्वामी देखते हैं यानी कि फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है राहु। तो राहु यहाँ पे नेगेटिव होता है। हम अगर देखें तो राहु केतु और शनि ये पृथक करने वाले ग्रह, सेपरेटिव प्लेनेट है और साथ में कोई ना कोई एक पीड़ादायक माहौल क्रिएट करते ही हैं, क्योंकि नेचर वाइज ये जो है वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह माने गए हैं। तो इसलिए राहु यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है वो देखने का है। जरूरी नहीं है कि आपका राहु केतु शनि अगर आ गया है फर्स्ट हाउस के, फिफ्थ हाउस के या 11th हाउस के, तो आपका स्वभाव बुरा ही जाएगा, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट है बुरे होने का। तो इसके बाद अगर हम देखें तो राहु जो है वो राहु जन्म कुंडली में शनि के नक्षत्र में है, तो शनि भी नेचुरल वाइज बुरा है। फिर ये चंद्रमा के उप नक्षत्र में, चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर राहु चंद्रमा से जुड़ता है तो एक तरह से ये ग्रहण योग है। उसके बाद आप अगर राहु को देखोगे तो राहु पहले 8वें, 3रे और 4थे घर को दिखाता है, तो 4था घर जो है वो 5वें घर का 12वां घर है। तो यानी कि आज के दिन में हमारा जो मौज मस्ती का या फिर जो हंसी खुशी का जो माहौल है वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस समय दिखा दिया, तो हम चुपचाप ही रहेंगे। दूसरा ये कि 1ला और 8वां घर दिखा दिया, तो यहाँ पे जातक का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा निराशाजनक रहेगा, यानी कि आप ये मानिए कि डिप्रेस्ड टाइप का नेचर रहेगा, गुस्सा आना और ऐसे मतलब चुपचाप फीलिंग जैसा माहौल रहेगा। यहाँ पे खुश होने वाले ग्रह कोई नहीं है, जैसे कि फर्स्ट हाउस के साथ 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस ऐसे जो भाव हैं वो अगर जुड़ते हैं तो जातक का हंसी खुशी का माहौल रहता है। 11th हाउस भी है तो हंसी खुशी का माहौल रहता है, तो ये जुड़ नहीं रहे, इसका मतलब है कि लग्न का उपनक्षत्र स्वामी राहु जो है वो हमें अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 5th हाउस, तो 5th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो है राहु।
और राहु वैसे ही परिणाम दे रहा है, राहु शनि के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में और 1, 8, 3 और 4, तो इसका मतलब है कि आज का दिन का यानी कि मौज मोमेंट का या फिर रिकवरी से संबंधित पांचों भाव जो है स्वास्थ्य का है, तो आज के दिन में हमारा जो स्वास्थ्य है वो ओवरऑल ऐसा ही रहेगा। तो राहु यहाँ पे इसी तरह का बुरा रिजल्ट दे रहा है, डिप्रेस्ड टाइप का, तो आज के दिन हमारा जो नेचर है वो एकदम तनाव भरा डिप्रेशन टाइप का रहेगा। इसके बाद अब लाभ को देख सकते हैं, अगर लाभ का स्वामी अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो ओवरऑल हमें कुछ ना कुछ दिन में अच्छा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो लाभ का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो भी राहु है, तो यानी कि आज के दिन में हमें टोटली नेगेटिव चीज़ें मिलेगी, नेगेटिव विचारधाराएं आएगी और हमारा पूरा दिन जो है वो सेपरेटिव टाइप का यानी कि तनावपूर्ण, अलग और घर से अलग रहना और इस तरह का तनावपूर्ण व्यवहार रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी जन्म कुंडली में प्रत्येक दिन को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमारे स्वभाव से संबंधित दिन के शुरुआत संबंधित अगर हम जानना चाहें तो इसमें प्रश्न कुंडली के द्वारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति का यूज किया है, आप परासरी ज्योतिष सिस्टम से भी निकाल सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।